हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। टुडे आई वांट टू शेयर विद यू सम वर्कशीट अबाउट जॉइंट फैमिली। सो यहाँ पर मैंने एक जॉइंट फैमिली की वर्कशीट रखी है, जिसके द्वारा हम बच्चे को कुछ वर्कशीट कराएंगे और समझाएंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, आई एम सैम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैम। दिस इज माई ग्रैंडफादर रीडिंग न्यूज़पेपर। यह कौन है मेरा? यह मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दिस इज माई ग्रैंड मदर निटिंग स्वेटर। ग्रैंड मदर क्या कर रही हैं? स्वेटर को बुन रही हैं। फादर, दिस इज माई फादर रेडी फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए रेडी हो गए हैं, ऑफिस के लिए तैयार हैं, ऑफिस जा रहे हैं। This is my mother cooking in the kitchen. मम्मा क्या कर रही हैं किचन में? कुकिंग कर रही हैं। कजन, they are my cousin. ये सैम के कौन हैं? कजन हैं। ये उसके साथ कहाँ रहते हैं? उनके हाउस में रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं वो उसके साथ, है ना? सैम के अंकल हैं ये। He is my uncle reading a newspaper. अंकल क्या रीड कर रहे हैं? Newspaper. This is my aunt. ये कौन है? ये मेरी aunt है. This is my sister. ये मेरी sister है. Oh, Sam की sister क्या कर रही है? Sam की sister आइसक्रीम लेक कर रही है ना? So friends, a joint family is made up of grandparents, parents, children, aunt and uncle or cousin. यहाँ पे joint family में uncle, auntie और कौन होते हैं? उनके बच्चे हमारे साथ एक ही हाउस में रहते हैं, है ना? जॉइंट फैमिली में दादू, दादी, पापा, मम्मा, कज़न, जो कि हमारे अंकल आंटी के बच्चे होते हैं, है ना? अंकल आंटी के बच्चे होते हैं, वो हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, कौन कौन रहता है जॉइंट फैमिली में? और जॉइंट फैमिली इज मेड अप ऑफ ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स, है ना, अंकल, आंटी और उनके बच्चे, कजन्स, है ना? यहाँ पर कुछ वर्कशीट है, देखते हैं। और जॉइंट फैमिली इज मेड अप grandparents, parents, children, uncle, aunt and cousin. Okay? Joint family में uncle, auntie, दादी, दादू, पापा मम्मी के बच्चे और uncle, auntie के बच्चे एक ही घर में एक साथ रहते हैं. They work together, they share their things together, they plays together और वो एक ही साथ खाना खाते हैं, है ना? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रंस डैश हैबिट। कैसी हैबिट सिखाते हैं हमारे पेरेंट्स हमें? गुड हैबिट। कैसी हैबिट सिखाते हैं? गुड हैबिट। चिल्ड्रन शुड टेक डैश ऑफ वन अनदर। हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए? चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ वन अनदर। सैम हैज अ डैश फैमिली। सैम की फैमिली कैसी है?
जॉइंट फैमिली, क्योंकि उसमें कौन कौन साथ रहता है, सैम के अंकल, आंट और उनके चिल्ड्रंस, अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन। कौन रहता है? अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन। वेरी गुड। सैम्स कजन डैश विद हिम। सैम कजन्स डैश विद हिम। सैम्स कजन लिव विद हिम। है ना, जॉइंट फैमिली में जो कजन होते हैं ना, वो एक साथ रहते हैं, वो हमारे सेम घर में हमारे साथ रहते हैं। अ लार्ज फैमिली इज मेड अप ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अंकल एंड आंट एंड देयर चिल्ड्रन। अंकल आंट और उनके बच्चों के साथ वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। टिक करेक्ट फॉर करेक्ट सेंटेंस, क्रॉस फॉर रॉन्ग। सैम हैज अ स्मॉल फैमिली। सैम की फैमिली कैसी है? स्मॉल फैमिली? नो, सैम की फैमिली तो लार्ज फैमिली है। स्मॉल फैमिली में तो फोर पीपल ही रहते हैं। और लार्ज फैमिली इज मेड अप ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड एन आंट और अंकल। यस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज सैम्स फैमिली? सैम्स फैमिली इज अ सैम्स फैमिली इज अ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली, सैम्स फैमिली इज अ लार्ज फैमिली। मेंशन एनी टू थिंग्स दैट चिल्ड्रन कैन डू टू शो देयर केयर फॉर देयर फैमिली। दे शुड शेयर देयर थिंग्स, अपनी चीजें शेयर करेंगे। दे शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर एट होम, अपने घर पे वो एक दूसरे का ध्यान देंगे। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? अ जॉइंट फैमिली इज मेड अप ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल आंट एंड कजन। जॉइंट फैमिली कैसी फैमिली होती है? जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रन, अंकल आंट और उनके बच्चे एक ही फैमिली में साथ रहते हैं। हु टीच यू गुड हैबिट? आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स टीचर्स गुड हैबिट। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम बच्चों को ये वर्कशीट कराएंगे, इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड जब हम पढ़ाते हैं, इस तरह से कराते हैं एक्टिविटीज़, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से लर्न करते हैं। आप आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो फ्रेंड, बाय।